हमको? चलो पता चलेगा। देखो भाई टॉपिक का नाम है कॉडिंग रिकॉर्डिंग। चलो अब मैं आपसे जो पूछूं बस आपको हाथ उठाना है, बोलना नहीं है, ओनली रेज योर हैंड। ठीक है चलो आप ही बताइएगा अल्फाबेटिकली क्यू कौन से नंबर पे आता है। क्यू अल्फाबेटिकली आती थी तुम्हें तो सीढ़ी अभी तो क्या आती है 17। इतनी देर में नहीं बताया। उसके बाद में आपको बताना है अल्फाबेटिकली आई कौन से नंबर पे आएगा। 9। हाँ 2-3 बस हाथ उठा ना, उसके बाद जब पूछा है तो बता देना। और वी कौन से नंबर पे आएगा। 22। एन कौन से नंबर पे आएगा। एन एक दो बता रहा है, बाकी तो मतलब 14। मतलब एक दो बच्चे बता रहा है, बाकी तो सब हैं ऐसी गोलमोल है जवाब। पड़ोसी का सुन के हाँ किसके 14 कहते तो हाँ ठीक है भाई 14, 15, 16। चलो खैर इनके अपोजिट पूछ लेते हैं। अपोजिट जानते हो ना, इधर से ए है तो इधर से जेड, तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। ठीक है तो वो बता दीजिएगा एक दो। आर का अपोजिट क्या होगा भाई अल्फाबेटिकली। आर का अपोजिट जैसे जेड का अपोजिट ए है, आर का अपोजिट क्या होगा। आई। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया। टी का अपोजिट क्या होगा भाई, टी। जी कौन बताया, बहुत बढ़िया जी। क्यू का अपोजिट क्या होगा, क्यू। जी बस एक दो बच्चे बता रहे, बाकी सब जीरो प्लेस सन्नाटा है। इतनी गौर से नहीं बड़ी हुई। चलो तो लगभग लगभग आपकी परफॉर्मेंस है जीरो प्लेस सन्नाटा है ना, तो जीरो से हीरो बनाते हैं अभी आपको। देखो भाई अभी लिखना नहीं है, बस ध्यान से समझना है कैसे हमें लॉजिकली, बस एक थोड़ा सा रिकॉल करना है कि हमने उसे ऐसे मॉडिफाई किया था या वो इस नंबर पे आता है, फिर इसका यूज़ होगा इसमें कॉडिंग रिकॉर्डिंग में, वो हम पढ़ेंगे। और आज से हमारे टॉपिक शुरू है ना कॉडिंग रिकॉर्डिंग, तो घर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इसमें पहले जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ओड वन आउट वाले हैं या सीरीज वाले हैं। ठीक है तो आप खुद से करो अभी, फिर अभी जब इसका थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा हमारा तो उसमें मैं आपके सारे डाउट्स ले लूँगा जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किए थे, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे क्वेरीज होंगी जो भी है वो सब हम कर लेंगे पूरा कंप्लीट चैप्टर को। ठीक है चलो देख लो बच्चों, अभी लिखना नहीं है सुन लीजिएगा। ए बी सी डी ई, यहाँ तक सबको पता होता है कि एक पे आएगा, दो पे, 3, 4 और 5। ठीक है इसके बाद एक फॉर्मूला होगा वो भी लगभग लगभग सभी को पता होता है, दैट इज इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। ये क्या है, 5 का टेबल है। 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ठीक है तो अगर पूछ ले ई अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पे आएगा, 5। जे किस पे आएगा भाई, 10। ओ किस पे आएगा, 15। टी किस पे आएगा, 20। और वाई किस पे आएगा, 25। टी तो वैसे ही बहुत सिंपल है, T20 क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो टी कौन से नंबर पे आएगा अल्फाबेटिकली, 20 पे आएगा। क्लियर हो गया ना। उसके बाद जेड आएगा हमारा 26 पे। यहाँ तक जनरली सभी को पता होता है, नहीं पता था किसी को भी तो हमने समझ लिया है ना। ए 1 पे आएगा, बी 2 पे आएगा, सी 3 पे आएगा, डी 4 पे आएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला हो गया इजोटी, 5, 10, 15, 20, 25 और 26। ठीक है और आप अभी देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप सर। अब हम बाकी को देख लेते हैं। इसके बाद आता है एफ। एफ को ऐसे लिखते हैं, इसे हमने स्लाइटली ऐसे डॉट 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 से ऐसे ही इसे मिला दिया, तो इट सीम्स लाइक 6 लग रहा है कि नहीं। तो ये 6 के ऐसा लग रहा है, तो एफ अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पे आएगा भाई, 6 नंबर पे आएगा। क्लियर है। उसके बाद लिखते हैं हम जी। जी को इस तरीके से लिखेंगे, अब इसे मैं यहाँ से रब कर दूँ, कर ही लेता हूँ, तो इट सीम्स लाइक 7 एग्जैक्ट नहीं बनेगा, हल्का सा रिकॉल करना है और एक बार समझ लो उसके बाद आप कॉपी कर लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रहेंगे। तो जी अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पर आएगा भाई, 7। ऐसे लिखते हैं एच। एच को हमने ऐसे मिला दिया स्लाइटली,
तो ऐसे मिला दोगे तो देखो ये वही लग रहा है, लगभग एग्जैक्ट नहीं लगेगा, हल्का सा रिकॉल करना। तो एच कौन सा नंबर पाएगा? 8। उसके बाद आता आई, आई को क्या मिलाएंगे? नहीं। जैसे आपसे पूछे डू यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप क्या कहोगे? यस आई नो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आई अल्फाबेटिकली कौन सा नंबर पाएगा? 9। ये के एन ओ डब्ल्यू वाला नहीं है, तो आई नो, तो आई आएगा 9 नंबर पे, ठीक है भाई। जे किस पे आएगा? 10 पे। उसके बाद आता है के, के अब के एक लाइन पे सीधी है ही, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर लो, जैसे आपने एरो तो बनाए होंगे ना, बहुत सारे एरो तो बनाए होंगे, कभी पेड़ पे कभी बेंच पे, है ना। बस आपने बो नहीं बनाया, मतलब धनुष नहीं बनाया, तीर तो बहुत बनाया आपने। तो भैया इसे ऐसे खींच लेंगे हम स्लाइटली, तो ये इस तरीके से हो जाएगा लगभग लगभग, और इट सीम्स लाइक 11, ठीक है। तो के अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पाएगा भाई? 11। यहाँ पे लिखा होगा स्लैंग, स्लैंग जान दो ना, स्लैंग क्या होता है? लोकल लैंग्वेज या ऐसी बोल देते ना भाई, क्या कर रहा है, के हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे पूछ ले इंग्लिश अल्फाबेट में 11वां अक्षर के है, के है मतलब के है, ठीक है। के का मतलब क्या हो गया? क्या है, वॉट, है ना। चलो कैसे भी याद रख लो, मतलब आपको याद रखना। अब आपके मतलब की बात आ गई, ये तो आपने काफी लिखा होगा है ना, ऐसे ऐसे लिखा होगा ना स्टाइलिश, एल को बड़ा स्टाइलिश बनाया होगा आपने, अच्छा इतने पर्सेंट डाले। चलो तो मतलब हो सकता है ऐसा तुमने मतलब समझ रहे हो, बेहतरीन से बनाया हुआ एल, तो इसे थोड़ा सा और ऐसे हम स्लाइटली मिला देंगे, तो इट सीम्स लाइक 2, लेकिन 2 तो हमारा आ गया, तो कौन सा नंबर पाएगा? 12। लगने को तो कुछ और भी लग सकता है, लेकिन हमें अल्फाबेट से कोरिलेट करना है, ठीक है। एल, उसके बाद हो गया भाई एम, एम को क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर दो, तो इसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और इट सीम्स लाइक 3, 3 तो आ गया हमारा, तो एम कौन सा नंबर पाएगा? 30। तो देखो ए बी सी डी का ये फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया हमारा, फर्स्ट हाफ, हाफ तो जानते होगा, हाँ बस इतना ही, ठीक है। और सेकेंड हाफ शुरू होता है एन से, और ये होगा जेड तक, तो ये होंगे 13 अल्फाबेट और ये होगी 13 अल्फाबेट, ठीक है। तो ये एक नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा, ऐसे हमें याद रखना है कि सेकेंड हाफ से शुरू होता है हमारा एन, और सेकेंड हाफ कहाँ से शुरू होगा? 14 से, तो सेकेंड हाफ हमारा 14 से शुरू होगा, तो एन कौन से नंबर पे आएगा भाई? 14, और जेड 26 को होते हैं, तो हमें ऐसे याद रखना है सेकेंड हाफ हमारा एन से शुरू होगा और एन कौन से नंबर पे आएगा हमारा? 14। ओ हमें पता है कि ओ किस पे? इजोटी वाले टेबल में है, तो 15 पे है। उसके बाद आता है पी, पी की अगर हम वाटर इमेज बनाए, वाटर इमेज में क्या होता है? अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप, और मिरर इमेज में क्या होता है? राइट लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, ठीक है। तो इसकी वाटर इमेज बना देंगे तो इसका अपसाइड डाउन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 6। अब 6 तो आ गया हमारा, तो पी कौन से नंबर पर आएगा? और इजीली आप रिकॉल कर सकते हो। उसके बाद आएगा क्यू, देखो ये हमारा जी था, ये हमारा क्यू है, केवल इसे देखिए तो सीम्स लाइक 7, 7 का ऐसा दिख रहा है भाई, तो एग्जैक्ट 7 नहीं होगा, 7 तो हमारा आ गया, तो कौन से नंबर पर आएगा ये? 17। पी क्यू आर, आर को ऐसे लिखेंगे स्लाइटली ऐसे मिला दो, 8 हो गया, लेकिन 8 हमारा आ गया तो कौन से नंबर हो गया? 18। एस को ऐसे मैं कह रहा हूँ बनाने को कुछ ही बना सकता हूँ, लेकिन हमें अल्फाबेट्स पे फोकस करना फिलहाल, ठीक है। इसे हम ऐसे स्लाइटली कर दें तो ये 9 का ऐसा लेगा कुछ कुछ, तो 9 आ गया, कौन से नंबर पर आ गया भाई? 19। T20 क्रिकेट मैच से हमें याद है, UV के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, UV 21 22 W, जैसे M को हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, W को क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो ये भी 3 का ऐसा हो जाएगा, 3 भी आ गया, 13 भी आ गया, कितना होगा? 23। X में 4 लाइन है, तो 4 लाइन है इसमें, तो 4 और 4 14 24 हाँ M में भी 4 है, लेकिन M को हमने ऐसे टर्न किया ना,
ठीक है। अब आपको इसे नहीं देखना भाई, व्हाइट बोर्ड को नहीं देखना आपको, और थोड़ा सा रिकॉल करना कि हमने कैसे उसे टर्न किया था या क्या किया था। आपको इजीली याद हो जाएंगे और अभी याद हो जाएंगे, फिर आप इसे कॉपी कर लेना और बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो बस हमें देखना है कि क्या किया था। एम कौन से नंबर पर आएगा भाई, सब बताओ। 13, बहुत बढ़िया। डब्ल्यू किस पर आएगा? 23। उसके बाद टी किस पर आएगा? क्रिकेट मैच से याद किया ना, T20। उसके बाद में पी, उल्टा कर दिया था पी को, 16। उसके बाद में एन सेकेंड, 14। बहुत बढ़िया। आई नो उसके बाद में एक्स, फोर लाइन्स थी, 24। तो आई होप सो बहुत अच्छा करोगे आप, कॉपी कर लो इसे फटाफट। कुछ इस तरीके से कॉपी करना कि ऐसा लगे वो स्लाइड लिखी हमने इसमें क्या चेंजेस किए हैं। हाँ, कुछ इस तरह। बेटा कॉपी कर लोगे तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा। ऐसे फोटो वोटो खींचने से नहीं होगा कुछ भी। हाँ, हमारी तो सारी बातें सही है। हो गया भाई, डन, बहुत बढ़िया। करो भाई जो रह रहे हैं फटाफट। चलो इतने कॉपी करना, आप ही बताओ आज तक जो इंडिया से मिस वर्ल्ड बनी है उसके लिए फॉर्मूला याद किया था हमने, क्या था? रेड यूपी मिस, क्या था ऐसा कुछ याद हमने? बहुत बढ़िया। इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? एलिफेंट। और नेशनल एनिमल? टाइगर। नेशनल वाटर एनिमल? बिल्कुल सही, गंगा डॉल्फिन।
इंडिया की लॉन्गेस्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन कौन से कंट्री के साथ है? बांग्लादेश। फॉर्मूला पढ़ा था तुमने क्या बचपन से MBA? चलो भाई कर दे रहा, हो गया बस, क्या कर रहे हो? कर लो भाई जल्दी कॉपी कर लो। यू के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, यू भी बस ऐसी 21-22 यू वी, यू मतलब तुम और वी मतलब हम, बस यू वी 21-22। यू वी एंड सी बस यू वी याद रहना। हाँ जी बस क्या कर रहे हो वे? हो गया हो गया हो गया। अच्छा बताओ यू यू तुम क्या हो? एक हो और वी वी मतलब हम दो हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया प्रेरणा लाजवाब। यू मतलब तुम एक हो तो बाद में एक आएगा, और वी वी मतलब हम दो हैं तो बाद में दो। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे नहीं अच्छी बात है, ऐसे आप लॉजिकली याद करोगे तो ये तो आप अपने जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हो ना। जैसे आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा कभी ना कभी, अरे पढ़ा होगा भाई अकबर बाबर ये पढ़ा नहीं आपने? पढ़ा है ना, जैसे जहांगीर शाहजहां पढ़ा होगा ना वाली हिस्ट्री, ये हिस्ट्री भी जरूर पढ़ी होगी। एर्थ में तो है सभी जगह, या आपने एर्थ नहीं किया? किया है ना, तो सभी जगह है। अकबर का नाम तो सुना होगा, ताजमहल किसने बनवाया भाई? ताजमहल शाहजहां, तो नाम सुना है ना, बहुत बड़े। और आपको पता होगा शाहजहां अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। क्या कह रहे हो? क्या हुआ भाई? छठी बीवी थी? तुम्हें बहुत पता है कौन सी बीवी थी? खैर अच्छा शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज। बेगम जानते ना, बेगम क्या होती है भाई? बेगम, बेगम मतलब शादी के बाद सारे गम पति के और पत्नी बेगम, जिसे कोई गम ना हो बेगम, और जिसके सारे शोक हर लिए जाए मतलब सोहर। चलो खैर वापस आते ठीक है। आप देख रहे हो बच्चों, हाँ सर का एक्सपीरियंस बोल रहे हो ना, तुम अपने एक्सपीरियंस से जरूर कॉलेक्ट कर लो। अंदर से सभी परेशान है। लग रहा है। खैर ये काम की बात है, तुम कौन से काम की बात कर रहे हो वैसे? काम वैसे तो हम सारी काम की बातें कर रहे हैं, कुछ बड़े काम की बातें कर रहे हैं, है ना। चलो अब आता है इसका अपोजिट। तो मुमताज महल की हम बात कर रहे थे, तो जहांगीर और शाहजहां में कौन पहले आया भाई? जहांगीर के शाहजहां? जहांगीर। पक्का डन कर दें? देख लो बहुत बढ़िया। तो जहांगीर पहले आया और शाहजहां बाद में, कैसे? लॉजिकली जिन्हें याद ना हो तो कैसे याद कर सकते हो? जिसके नाम में जहां पहले आ रहा है वो जहां में पहले आया है, जिसके नाम में जहां बाद में आ रहा है वो जहां में बाद में आया। तो शाहजहां पापा था कि जहांगीर? जहांगीर, क्योंकि जहां पहले आ रहा है तो पहले आया, और शाहजहां में जहां बाद में आ रहा है तो बाद में आया। और अगर आपको पता हो तो मुमताज महल वॉज डाइड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ 14th चाइल्ड, तो सही सुना आपने, बेइंतहा मोहब्बत करते थे।
चलो अब हम अपोजिट की बात कर लेते हैं। आ जाओ वापस जवानों, देखो भाई अपोजिट समझिए ना, इधर से ए है और इधर से जेड। तो अपोजिट फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको दो ट्रेडिशनल तरीके बताऊंगा, मतलब जो आपने बुक में पढ़े होंगे सुने होंगे इधर उधर, है ना, और उसके बाद मैं अपना तरीका बताऊंगा अच्छे वाला, मतलब मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। बाकी मैं तीनों फॉर्मूले आपको बता दूंगा, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका होता है भाई कि आप 27 में से वो नंबर माइनस कर दो और जो फिर आंसर आएगा उस पर जो नंबर होगा वो आपका आंसर है अपोजिट के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताओ भाई बालिका किसका अपोजिट बताएं ए से जेड तक, किसी का कोई भी अल्फाबेट बता दो ए से जेड तक। एस, कोई बात नहीं, एस का भी निकाल लेंगे एल का भी निकाल लेंगे। देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, 27 में से वो नंबर माइनस कर दो। अब 27 में से हमें एल निकालना है तो एल कौन से नंबर पर आता है भाई, 12, और 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 15 पे क्या आता है ओ, तो एल का अपोजिट क्या हो गया ओ, ठीक है। अब 27 में से एस माइनस कर लो, एस किस पे आता है 19 पे, ठीक है, और 27 में से 19 जाएंगे तो शायद 8 बजेंगे, 7 8, और 8 पे क्या आता है हमारा ये एस है और ये क्या आएगा हमारा एच। लेकिन अब समझो जैसे मान लो सपोज करो आपका मैथ थोड़ा सा दिक्कत वाला हो, कैलकुलेटर में दिक्कत तो कहीं भी हो सकती है ना, टेक्निकल दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या मान लो आपने थोड़ा इधर उधर कर दिया या टाइम तो लग रहा है ना 2-4 सेकंड कि 27 में से 19 माइनस करना, फिर आपका आंसर आया, और हो सकता है ये उसमें अपोजिट करना ही ना हो। हम पहले चेक तो करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, हो सकता है अपोजिट का केस हो ही ना हो, तो हमने खामखाई मेहनत करी ना। चलो तो एक तरीका तो ये होता है 27 में से नंबर माइनस कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका होता है भाई जो जनरली बुक्स वगैरह में भी लिखा होता है कि फर्स्ट हाफ आपने लिख दिया सीधा और सेकंड हाफ आपने लिख दिया उल्टा, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये लिख दिया आपने। सेकंड हाफ आप उल्टा लिखना शुरू करें, यहाँ पे इसके नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जो जिसके नीचे आ रहा है वो उसका अपोजिट है, जैसे कि देखो एल का अपोजिट क्या होगा ओ, एल कहाँ है हमारा ये रहा, एल का अपोजिट क्या ओ, एस का अपोजिट क्या होगा एच, एस का अपोजिट क्या होगा एच, या एच का क्या होगा एस, क्लियर है। लेकिन फिर वही बात, सपोज करो ये रूल ना लग रहा हो तो इसमें आप वैसे बिल्कुल ही आदमी रख सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा, आप समझ रहे हो, मतलब ये फॉर्मूला जो है आपको लिखना ही पड़ेगा, आप वैसे याद नहीं कर सकते कि एकदम से आप बता दो। अब इसमें से किसी का मैं पूछूं तो देख के तो बता दोगे, लेकिन मैं इसे रब कर दूं तो आप ई का अपोजिट क्या होगा मेरे ख्याल से नहीं बता पानेगे, या तो 27 में से माइनस करोगे, नहीं तो फिर आप इसे पूरा लिखोगे, समझ रहे हो, इतना आप इसे पूरा नहीं लिखोगे, आप इसका अपोजिट नहीं बता पाओगे, और हो सकता है कि ये फॉर्मूला लगी ना रहा हो, फिर भी आपको जो बेटर लगे वो आप लिख सकते हो। तो ये दोनों भी कॉपी कर लो, उसके बाद अपना तरीका आएगा।
और भाई कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो? घर से? अपने उनके अपने हाँ जी रिटर्न निकलो ही जवानों फटाफट। चले गए आगे, हो गया। चलो अभी इसमें रब कर देता हूँ भाई। अब अपने वाला तरीका आ जाता है, बाकी मैं तीनों तरीके आपको बता चुका हूँ, मतलब बता दूंगा अभी आपको, जो बेटर लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पहला ही दूसरा तीसरा जो भी आपको अच्छा लगे। इसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, समझ लीजिएगा, उसके बाद कॉपी करना है। जैसे कि ये आपने बाद में कॉपी किया है ना, इनके लिए हमें कुछ वर्ड याद रखने हैं। वर्ड भी बहुत ईजी है ना, वर्ड भी हमें ऐसे याद रखने जो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो उसमें ही उसका अपोजिट आ जाएगा और 13 अल्फाबेट हमें याद रखने हैं। बाकी आप देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगे फॉर्मूला। तो रूल नंबर 3 ये है भाई, क्या है देखो, ए के लिए हम वर्ड याद करेंगे आज, ए ए जेड, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। तो ए के लिए क्या वर्ड याद किया हमने, आज। बी के लिए बॉय, सबको पता है बी फॉर बॉय, तो बी का अपोजिट क्या होता है भाई, वाई। ना लिखना ना कुछ करना ना 27 में से माइनस करना, तो बी के लिए क्या वर्ड हो गया, वाई, बॉय। सी के लिए होगा 6, लेकिन हमारे यहाँ 6 थोड़ा सा अलग है, CIX है 6 तो सी के लिए क्या हो गया भाई, 6। तो सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स, ठीक है। डी के लिए हो गया ड्यू, DEW, तो डी का अपोजिट क्या हो गया भाई, W, ड्यू, माउंटेन ड्यू या जो भी ड्यू है ना, तो डी का अपोजिट क्या हो गया, W। तो ए के लिए वर्ड क्या हुआ भाई, आज। बी के लिए बॉय, सी के लिए 6, डी के लिए ड्यू, ठीक है। अब आता है ई, ई के लिए हो गया ई, ई वी ई। तो यहाँ पे देखो बाद वाला था, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, चाहे वो बाद वाला है बीच वाला जो भी अल्फाबेट है उसका अपोजिट, वो कैपिटल में लिख रहा हूँ और अंडरलाइन भी कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल रहे। तो ई का अपोजिट ई तो होगा नहीं, तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी। तो हमने कैसे याद किया, ई। एफ के लिए हो गया फुल, FULL, तो एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू, या यू का अपोजिट क्या हो गया, एफ। EFG, जी आपने पढ़ा होगा, GT रोड, ये वर्ड सुना होगा कभी ना कभी आपने कि GT रोड उधर जा रही है, GT रोड उधर जा रही है। और ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, GT रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई या बिल्ट बाई, बता दे कोई क्या कह रहे हैं, हाँ मतलब जो भी है क्या। तो GT रोड वॉज बिल्ट बाई शेर शाह सूरी, नाम सुना होगा ना, शेर शाह सूरी, नहीं सुना था कोई बात नहीं, तो हिस्ट्री वाले, हाँ जी बिल्कुल। तो जी का अपोजिट क्या हो गया भाई, टी, टी का अपोजिट क्या हो गया, जी। वैसे तो GT रोड आपने सुना होगा, शेर शाह सूरी सुना हो ना सुना हो, GT रोड। एच से हाई स्कूल, सबने किया हुआ होगा, तो एच का हो गया एस, एस का क्या हो गया, एच। तो ई के लिए क्या वर्ड याद किया हमने, ई, अभी सुन लीजिएगा उसके बाद लिख लेना। एफ के लिए फुल, जी के लिए GT रोड, एच के लिए हाई स्कूल, ई एफ जी एच, आई के लिए इंडियन रेलवे, इंडियन, तो आई का अपोजिट क्या हो गया भाई, आर। बिल्कुल सिंपल है, इंडियन रेलवे वर्ड इजीली याद हो जाएगा, याद क्या करना हमें तो पता ही है, इंडियन रेलवे यानी कि आई का अपोजिट क्या हो गया, आर, आर का क्या हो गया, आई। अच्छा आपके वाले वर्ड बताने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, ई एफ जी एच आई जे, जे से हो गया जैक फ्रूट, वैसे तो जैक फ्रूट में क्यू की जगह के आता है, और जैक फ्रूट अगर आपको, जैक लीन भी हो सकता है, जंगल क्वीन भी हो सकता है, ठीक है, जंगल क्वीन, ठीक है, मतलब जे का अपोजिट क्यों होगा। और जैक फ्रूट आपको बताया, जैक फ्रूट कद्दू नहीं, जैक फ्रूट होता है कटहल, कद्दू बता रहे,
मुझे लग रहा है पांच फल सब्जियों के नाम आपसे पूछ लेंगे तो गोल हो जाओगे तुम। तो जैक फ्रूट होता है कटहल, और जैक फ्रूट जो है लार्जेस्ट फ्रूट ऑन ट्री वाला होता है भाई, मतलब ट्री पे पेड़ पे जो सबसे बड़ा फल लगता है वो क्या है, जैक फ्रूट। अब आप कहोगे तो सब्जी है, तो साइंटिफिकली वो सब फ्रूट की कैटेगरी में आएंगे जिन पे पहले फ्लावर आता है फिर वो फ्रूट बनते हैं और उनमें सीड्स होते हैं, तो सब फ्रूट की कैटेगरी में आएंगे, चाहे टमाटर हो चाहे बैंगन हो, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, फ्रूट में, चाहे कद्दू हो, पम्पकिन हो, पम्पकिन लार्जेस्ट फ्रूट होता है लेकिन वो पेड़ पे नहीं लगता, किस पे लगता है, बेल पे लगता है। आई जेन कैसे हो गया, लो भाई आपकी पसंद आ गई, आपकी पसंद मतलब, वैसे तो मेरा इसमें जो फॉर्मूला है वो है कीप, के डबल ई पी कीप, तो के का अपोजिट क्या हो गया पी, पी का क्या हो गया के। और अगर किसके मतलब की बात करें, कुछ के मतलब की बात, तो ये कमला पसंद भी हो सकता है। तो के का अपोजिट क्या हो गया पी, कमला पसंद, और पी का क्या हो गया के, ठीक है। अब आपकी पसंद है नहीं, हम तो कमला की पसंद बता देंगे, ठीक है, कमला पसंद। आई जे के एल, अब वही आ गया आपका जो आपने स्टाइलिश लिखा होगा, वैसे तो इसे भी आपने घुमावदार बनाया होगा, समझ रहे हो, है ना, मतलब लेकिन वो क्लास में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो इसे भी ओ को भी आपने थोड़ा समझ रहे हो डिजाइनदार बनाया होगा आपने। अच्छा, इसे हमने ज्यादा एम्फेसिस क्यों किया, इस पर ज्यादा फोकस क्यों किया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया प्रेरणा, एक्सेलेंट। देखो भाई आप सीधे 14 फरवरी में पहुंच गए थे, वहां नहीं पहुंचना में। इसमें हमने दो अपोजिट एक साथ पढ़ लिए, एल का अपोजिट वी ओ और वी का अपोजिट ई, तो इसलिए खास है, एल का अपोजिट हो गया ओ और वी का अपोजिट हो गया ई, वैसे तो खास है ही ये, पर यहाँ पे इसलिए खास है। और एक और एड देखा होगा आपने, मैन विल बी मैन, एम का हो गया एन और एन का हो गया एम, ठीक है भाई। चलो भाई इसे कॉपी करो फटाफट, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, हैं बाकी कहाँ गए, सबका हो गया बेटा, ईव ई वी ई, बस ई वी ई, तो ई का वी का ई, फटाफट कॉपी करो फिर मैं आपसे सुनता हूँ, और आई होप सो इसमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जैसे कुछ तो याद हो गए होंगे। के का अपोजिट क्या होगा भाई, के का पी, अब देखो ना तो 27 में से माइनस करना ना आपको सीधे उल्टे लिखने, तो मेरे हिसाब से तो तरीका बेस्ट है, बाकी आपके लिए जो भी तरीका हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ये अपना तरीका है। जल्दी से कॉपी कीजिएगा भाई जवानों, किस टाइम तक होता है आपका बैच, मतलब एंड किस टाइम होता है। सहारे भैया ये वाला नहीं सवानो, ओवरऑल बैच की बात करें 1:30 आज 1:45 वैसे 1:30 बजे तक 2 भी बज जाते हैं कभी कभी, एक्स्ट्रा क्लास भी होती है आपकी, बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा क्लासेस यही चलती है कहीं और। मतलब हम तो एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहे हैं, कौन से वाली ढूंढना। तुम्हें कैसे पता ये वाली वो वाली। हाँ भाई जवानों हो गया,
बहुत बढ़िया, बाकी भी कॉपी करो भाई जो लगे हुए हैं बच्चे। हो गया याद? तो आपको जो तरीका अच्छा लगे एक दो तीन में से वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मर्जी आपके, मैंने तो बता दिया बॉल इज इन योर कोर्ट। चलो अब बिना देखे बता दीजिएगा भाई आप, इसे अभी कर दो इससे अच्छा पर ना, तभी तो आप अच्छे से बताओगे बिना देखे। हाँ जी कॉपी अच्छा कॉपी में लिख लिए, लेकिन देखना तो इधर है व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलो जी अब देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखो मैंने शुरुआत में आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया था, आपकी परफॉर्मेंस 0% सन्नाटा थी, तो आई होप सो आप 0 से 0 बन गए होंगे। चलो भाई फटाफट बता देना, बस रिकॉल करना वर्ड क्या था, तो उसका अपोजिट आई का अपोजिट क्या होगा? बहुत अच्छे आर, इंडियन रेलवे हमने याद किया है। जी का अपोजिट क्या होगा? अब आप खुद देख लो इतनी जल्दी कर सकते हो क्या 27 में से माइनस? नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, ना ही आप उल्टे सीधे लिख के कर सकते हो। जी का अपोजिट क्या हो गया? टी। टी का पूछ ले तो जी हो जाएगा, ठीक है। एच का अपोजिट क्या होगा? एस। के का अपोजिट क्या होगा? पी। बहुत बढ़िया। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू। एल का अपोजिट क्या होगा? ओ हाँ हल्का हाथ रखना है थोड़ा। वी का अपोजिट क्या होगा? ई। बहुत बढ़िया। बी का अपोजिट क्या होगा? वाई। डी का अपोजिट क्या होगा? अभी वो कितना आसानी से बता रहे हो आप, अल्फाबेटिकली पूछ रहे कौन सा नंबर पे होगा। पी कौन से नंबर पे आएगा? 16। एम किस पे आएगा? 13। डब्ल्यू 23। टी 20। के 11। आई 9। आई 9। जी 7। क्यू 17। तो आई होप सो डिफरेंस क्लियर है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया है, और आप जैसे क्वेश्चन करेंगे तो मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। चलो अब इसका एप्लीकेशन हम समझेंगे कल, वैसे तो आज ही समझना था लेकिन कोई बात नहीं हम कल समझ लेंगे। इसका यूज़ कैसे कैसे करेंगे, इसका यूज़ कैसे होगा थोड़ा सा बता दूं मैं आपको हल्का सा, करेंगे तो हम कल, लेकिन आप धीरे धीरे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। यहाँ पे लिख देंगे एक वर्ड लिख दिया जैसे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुल का कोड है ये, ठीक है। तो फिर एलिफेंट का कोड क्या होगा या कंप्यूटर का कोड क्या होगा, तो हमें देखना है कि उसमें कोड में अपोजिट किया हुआ है या वही नंबर लिखे हुए हैं, या ऐसे भी कर देते हैं +1 +2 +3 या +1 -1 +1 -1। प्लस वन का मतलब क्या हो गया, जैसे बी से क्या हो गया सी, डी से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सी। भाई बी से तो +1 करके सी आएगा, डी से -1 से करके सी आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपकी आई होप सो बहुत शानदार परफॉर्मेंस हो गई है, हो गई तो एक सेल्फी तो बनती है आपके साथ में।